brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. सारे लोग मोदी हैं, मोदी हैं, हम लोग मोदी के वोट देंगे, मोदी हम लोग की जिंदा रखे हैं। सिवान के लोगों के लिए काम हम करेंगी ना। देखिए, जो घर चलाएगा वो बिहार चलाएगा, जो बिहार चलाएगा वो देश चलाएगा। वाह वाह वाह। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी, अरे कहने दीजिए ना, हम तो किसी से लड़ाई में नहीं है, मेरा एकदम एक तरफा लड़ाई है, हम अकेले लड़ते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है एनडीए की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा, जो कि सिवान से चुनाव लड़ रही हैं, और इनके सामने महागठबंधन और मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब खड़ी हैं। देखना है कि किस तरीके से ये लोग लड़ाई लड़ेंगे, इनसे बात करेंगे बिहार तक पे। मैडम, किस तरीके का आपका दौरा चल रहा है, क्योंकि आपके सामने कई लोग हैं। पहले तो आपको चैनल का मैं प्रणाम नमस्कार करती हूँ। मेरा तो दौरा बहुत अच्छा चल रहा है, पूरा जनता में सपोर्ट है, पूरा जनता मेरे तरफ है। जनता बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी इतना ना काम किए हैं कि हम लोग बहुत उत्साह में हैं। हाँ। और नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश जी के काम के लेके इतना उत्साह है कि जो भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी कह रहे हैं कि सारा लोग हम लोग मोदी हैं, सारे लोग मोदी हैं, मोदी हैं, हम लोग मोदी के वोट देंगे, मोदी हम लोग की जिंदा रखे हैं। हाँ, मोदी जी इतना ना काम किए हैं कि राशन के मिल रहा है और स्मार्ट कार्ड बन गया है, क्या बोलते हैं, आयुष्मान कार्ड है, बहुत सारी सारा चीज बन गया है। इसके चलते मोदी के तरफ से बहुत उत्साह है। सारा महिलाओं बोल रही कि हम लोग मोदी के तरफ से आई हैं, हम लोग आपको वोट देंगे, कोई आएगा इसमें आपकी ही लहर चलेगा, आप जीत कर जाएंगे, कोई आएगा, कोई नहीं चलेगा, हम लोग बहकने वाला नहीं है, कोई आवे, हम किसी से लड़ाई हम लोग का नहीं है, आप जीत जाइए, आपको ही हम लोग वोट देंगे जी जी। और हम मोदी के लोग, हम लोग मोदी खुदे भोग हैं मोदी। अच्छा, विजय लक्ष्मी जी, आप जीतेंगी तो सिवान के लोगों के लिए काम हम करेंगी ना। देखिए, जो घर चलाएगा वो बिहार चलाएगा, जो बिहार चलाएगा वो देश चलाएगा। वाह वाह वाह। हम घर के महिला जी हैं जी जी जी। हम घर में बहुत सारा लोग, हम देखिए एक घर में 10 परिवार रहता है, सदस्य एक एगो रहता है, उनका हक है कि घर में क्या है नहीं है, उसी तरह हमको जनता का चलाना है। सभी परिवार से पूछेंगे कि क्या कमी है, क्या बेसिस, सबको एक एक घर में पूछेंगे, किसी को छोड़े नहीं जा रहे, एकदम नहीं। हम जमीन से जुड़े हैं, हम चटाई पे सो सकते हैं, हम एगो बिछावन पे सो सकते हैं, ऐसा सो सकते हैं, जनता में जाएंगे, एक नमक रोटी देगी तो हम खाने पर तैयार हैं, हम उसी से जुड़े हुए हैं, हमको घी मलिदा नहीं चाहिए। हाँ। जो लहरा रहा लहराने दीजिए जी जी। हमको जनता में रहना है, जनता जो कहेगा एकदम शामिल। नाम है लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी कुशवाहा, और लोग कह रहे हैं कि विजय लक्ष्मी जी आ गई हैं और विजय होना है, क्या है, वाकई में सच्चाई है? एकदम वाकई सच्चाई है, एकदम हमको जीत है, हम किसी से लड़ाई नहीं है। हाँ, हाँ मेरा तो एकदम 100% से लड़ेंगे, और बिहारी जी से लड़ेंगे या हिना साहब से लड़ेंगे, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी? अरे कहने दीजिए ना, हम तो किसी से लड़ाई में नहीं है, मेरा एकदम एक तरफा लड़ाई है, हम अकेले लड़ते हैं जी। हाँ मेरा जीत है। गेरुआ कलर है जो गमछा लगा करके आप लोग भी मोदी जी के सब निकल रहे हैं लोग, आप लोग तो गमछा कहीं और दिखाई दे रहा है, उनके लोग पूरे सुनिए ना, दिखाई दे रहा है ना, तो जिसी पर जो रहता है उसी पर खिलता है, जो नहीं रहता है ना, तो इसे हम ही हैं, हम हैं तो हम तो हिंदू हैं, हम तो भगवा पहनेंगे तो हमारे पास सूट करेगा, और इससे कोई पहरेगा थोड़े सूट करेगा, अरे कहने दीजिए ना, पहनने से कोई नहीं हो जाएगा, जो होगा हिंदूवादी रहेगा। अच्छा, हाँ तो मतलब भगवा पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता का कोई फर्क नहीं है जी जी। हाँ, कोई आवे कोई जाए, जनता बोल रहा है कि आने दीजिए, पहनने दीजिए, हम लोग हिंदूवादी हैं, हम लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान के पूजा करते रहेंगे। और सुन रहे हैं कि जोगी जी, मोदी जी, सभी लोग आपके चुनाव प्रचार में आ रहे हैं? अरे जोगी जी तो मेरे भाई हैं, हम लोग एक क्षेत्र के हैं। हाँ, हम भी देवरिया जिला के हैं, वो भी देवरिया जिला के हैं। हाँ, मेरे मायके हैं अरौली तिवारी और भाटपारानी, देवरिया जिला, तो भी तो देवरिया जिला के हैं, तो मेरे भाई हैं, तो एक भाई रहता तो बहन का सपोर्ट करता है कि नहीं, तो वही बात है, एकदम कमर कस लिया लोग, आप लोग पति पत्नी, पति एक तरफ मोर्चा संभाल रहे हैं तो पत्नी एक तरफ दूसरे तरफ मोर्चा संभाल। अरे तो हमारा तो स्वाभाविक है,
हम तो शुरू से मुच्चा संभाले, अभी संभाले के संभालते रहेंगे। हाँ। सिवान की जनता से क्या कहेंगे, क्योंकि अब चुनाव 25 मई को होने वाला है, छठे फेज में, क्या कुछ कहेंगे विजय लक्ष्मी जी आप उनसे? जनता से कहेंगे कि और सभी लोग हमारे साथ जुड़े और हम लोग नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के हाथों का मजबूत किया जाएगा, मजबूत करेंगे तो वहाँ मान वहाँ मजबूत रहता है, हमारा सिवान जिला मजबूत रहेगा। मतलब कि आप एमपी बनकर जाएंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने? हाँ और क्या, बनेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि आप लोग तो आजकल नारा आप लोग का लग रहा है 400 पार, वाकई में कुछ होगा क्या? एकदम 400 पार, इसमें तो कुछ कहने वाला नहीं है। कुछ नहीं कहने वाला? नहीं कुछ नहीं कहने, कम नहीं होगा उसमें? ना उसमें एकदम कम नहीं है, बेसी हो जाएगा, कम तो होना ही नहीं है। बेसी हो सकता है? बेसी हो सकता है। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं और किस तरीके से फराटेदार होकर के और बातें कर रही हैं। हालांकि अब महिला जब घर से निकलती है तो इस तरीके से नहीं बातें करें, विजय लक्ष्मी कुशवाहा लग रहा है कि एक परिपक्व जो राजनीति की माहिर खिलाड़ी कही जाती है उस अंदाज में बात करें। इनके पति हैं रमेश सिंह कुशवाहा और ये पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, जीरादेई से जेडीयू से ये विधायक भी रह चुके हैं, लगातार ये लोग पति पत्नी लगे हुए हैं। कुशवाहा जी, क्या होगा इस बार, मुद्दा कौन सा हावी रहेगा सिवान में? ये तो हमसे बढ़िया हमारी पत्नी ही बता दी है ना जी। जिनके बारे में लोग कह रहे थे बोलती नहीं जी, तो गुंगी थोड़े थे। हाँ। सब बोलती हैं जी। देखिए जहाँ तक इशू की बात है, मना करके अभी रखा गया था कि अभी नहीं बोलना है, समय पे बोलना है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है जी। हर चीज़ समय से ही बोल, सही बात को सही जगह पर सही समय से ही बोला जाना चाहिए। जहाँ तक आप इशू की बात बोल रहे हैं, देखिए नीतीश जी और मोदी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकसित हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित हो रहा है। हम विकासशील देश से विकसित देश बनने वाले हैं और आज भी मुद्दा विकास का ही होगा। जहाँ तक सिवान का राजनीतिक संदर्भ है, सिवान को लोग पीछे ले जाने की कोशिश, कुछ ताकतें लगी हुई है कि सिवान पुराने दौर में आ जाए, यहाँ पर रोज़ खून खराबा हो, हिंसा हो, AK-47 गरजे जी। लेकिन सिवान की जनता इतनी सचेत है, उस पुराने दौर के तरफ सिवान की वापसी नहीं चाहती है, सिवान की जनता सचेत है। आपने देखा एक दौर था कि विपक्ष का कोई झंडा तक नहीं लगता था, जब भाजपा झंडा लगाने की कोशिश की तो उस समय RJD की सरकार हुआ करती थी और उसी दौर में ओमकार मल की हत्या हो गई। ये आपको तेजाब से लोगों को नहला नहला करके मार, दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई, तीन भाइयों की हत्या कर दी गई। ये हालात थी सीमान में जी। क्या वही डेमोक्रेसी था? वही लोग, अभी हम सतपुखरिया गए थे 98 में, जब हम उसमें लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ के गरीबों ने जब मतदान करने का साहस किया, वहाँ भी चार लोगों को मार दिया गया। ये हालात थी, क्या उसी दौर को सिवान की जनता देखना चाहती है? मैं समझता हूँ कि सिवान की जनता सचेत है और समाज के हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग सचेत हैं, उस दौर को नहीं लाने देना चाहते हैं। हाँ कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ उस तरह के पेशेवर किस्म के वैसे ठेकेदार हैं जो कि उसको वहीं अच्छा लगता है, वहीं लोग हल्ला किए हुए हैं, बाकी दम नहीं है। होने दीजिए, आपको 25 मई को सबकी औकात का पता चल जाएगा कि किसको कितना वोट आ रहा है। क्या होगा जोगी जी, मोदी जी सुन रहे हैं कि उनका भी कार्यक्रम लग रहा है? तो लगभग ना करेगा भाई, NDA के जितने बड़े नेता हैं वो आएंगे, और हम तो उन भगवादारियों को कहते हैं कि जोगी जी आ रहे हैं उसी दिन हमारे मंच पर आकर के पूरा पूरी भगवा साड़ी पहन लीजिए, क्या दिक्कत है भैया? किनको किनको ये बात बता रहे? अरे उन लोगों को जो लोग भगवा लगा करके घूम रहे हैं, हमारी पत्नी तो भगवा साड़ी में है ही, जो लोग दूसरे में है तो भगवा उस दिन पहन लें, आप मोदी जी के साथ जोगी जी के साथ ज्वाइन कर लें, पटिए ज्वाइन कर लें, कोई दिक्कत? लेकिन उन लोगों का तो कहना है कि अगर हम जीत गए तो NDA की तरफ ही रुझान है, क्योंकि नाराजगी RJD से। ना ना उसके पहले ही आ जाए ना, कोई दिक्कत है? उसके पहले ही आ जाना चाहिए, जब NDA से इतना ही प्यार है तो NDA के ओरिजिनल कैंडिडेट तो लड़िए रही है, तो डुप्लीकेट का कोई जरूरत है क्या? यहाँ तो असली नकली की लड़ाई हो गई है क्या भाई? नकली भी वो सब नहीं है, वो फालतू लड़ाई में है क्या? वो लड़ाई में दोनों पार्टियाँ ही रहेगी, मैं आज ही आप जान लीजिए, वो भ्रम लोग ना पालें जी। हाँ चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि रमेश कुशवाहा जी से बात हो रही थी और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो NDA की उम्मीदवार है, JDU से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है सिवान में,
और रमेश कुशवाहा का कहना या उनकी पत्नी का कि कोई किसी के चक्कर में नहीं पड़े, यहाँ पर कोई किसी से किसी तरह का टक्कर नहीं है और सीधे यहाँ पर मोदी जी को लोग देख रहे हैं, नीतीश जी को के विकास कार्यों को लोग देख रहे हैं। अब ऐसे में 25 मई को जब मतदान होगा और 4 जून को फैसला आएगा तब पता चलेगा कि सिवान का सांसद कौन होता है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, बिहार तक सिवान।